अगर आपके एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में बुक रख दिया जाए तो आप किसे चूज करोगे? नो डाउट 80% चांस है कि आप मोबाइल ही चूज करोगे। और ये नेचुरल भी है क्योंकि हमारे दिमाग को बिना कुछ किए प्लेजर चाहिए और इसी नीड को मोबाइल बखूबी पूरा करता है। अगर मोबाइल को हम एक टूल के रूप में देखें तो ये दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है। ये दुनिया के हर इन्फॉर्मेशन को एक क्लिक में अवेलेबल कराता है और कम्युनिकेशन इसकी पुरानी आदत है, इंटरटेनमेंट के लिए ये मशहूर है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो हमारे अंदर मन बैठा है ना पार्थ, ये हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यही मन हमें एक आदर्श जीवन दे सकता है और यही मन हमें गड्ढा में गिरा सकता है, नालायक बना सकता है, निकम्मा बना सकता है। उसी तरह ये मोबाइल आपका दोस्त भी बन सकता है और दुश्मन भी। अगर आप अभी तक इस मोबाइल का कम्युनिकेशन के अलावा सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हो तो आप बेवकूफ बनते जा रहे हो और इसका कोई लिमिट नहीं है। और इस सिचुएशन में ये मोबाइल आपका दुश्मन बनकर काम कर रहा है। अगर आप कुछ सीखने के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अपने ग्रोथ के लिए यूज कर रहे हो तो यही मोबाइल आपका दोस्त बनकर आपके साथ खड़ा है। बट आप अगर अपने दूसरे हाथ में रखा इस बुक को चूज करते हो तो क्या होगा? सोचो, अगर आपको पढ़ाई बोझ लगता है, बुक को देखकर आपके दिमाग में करंट लग जाती है, टेंशन मत लो, आज 2 घंटा ज्यादा ही पढ़ोगे और इसके बाद पढ़ाई से प्यार होता चला जाएगा। इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं कि जब तक आपका स्टूडेंट लाइफ है, पढ़ने का मन हो या ना हो, फिर भी स्कूल या कॉलेज जाना पड़ता है, कोचिंग जाना पड़ता है, किताब के सामने घंटों बैठना पड़ता है, जबरदस्ती ही सही पढ़ना पड़ता है। तो जब हम इन चीजों से बच नहीं सकते तो क्यों ना हम अपनी माइंडसेट ही चेंज कर ले। और क्या पढ़ाई का नुकसान है? तो इसका जवाब है नहीं। जो लोग डिग्री के लिए पढ़ते हैं उनको इसका नुकसान उठाना पड़ता है और जिनको लगता है कि मैं बिना पढ़े भी बहुत कुछ कर सकता हूँ तो इस गलत फहमी को आज ही दूर कर लो। आप अनपढ़ बनकर क्या ही कर सकते हो इस भागती हुई दुनिया में? तो मैं आपको 7 ऐसे पावरफुल रीजन दे सकता हूँ कि आपको बुक क्यों पढ़ना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको बुक उठाने पर मजबूर कर सकती है, अगर आप पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ किताबें पढ़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 1, रीडिंग इम्प्रूव्स ब्रेन पावर। पढ़ना दिमाग के लिए एक एक्सरसाइज है। ब्रेन को जितना चुनौती मिलता है उतना ही ब्रेन पावर बूस्ट होता है। जैसे शरीर के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो शरीर फैटी हो जाती है, उसकी एक अच्छी फिजिक नहीं बन पाती। ब्रेन का हाल कुछ वैसा ही है। अगर हम ब्रेन को चुनौती नहीं देंगे तो इसका भी वर्किंग परफॉर्मेंस नहीं बढ़ पाएगी। याद रखना, सोशल मीडिया से आपके ब्रेन को कोई चुनौती नहीं मिलती, इसलिए सोशल मीडिया, टीवी आपके दिमाग को अपंग बना सकती है। थोड़ा बहुत चलेगा पर इंटरटेनमेंट की आदत मत लगाओ, वरना अपने आप को बुरे से बुरे स्थिति में देखने के लिए तैयार रहो। बुक रीडिंग से ब्रेन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस पर कई साइंटिफिक रिसर्च हुआ। रेगुलर पढ़ने से ब्रेन कनेक्टिविटी इम्प्रूव होती है, नए न्यूरल नेटवर्क बनते हैं, ब्रेन में व्हाइट मैटर प्रोड्यूस होता है। हमारे ब्रेन में व्हाइट मैटर का क्या बेनिफिट्स है? ब्रेन में व्हाइट मैटर बॉडी को इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। व्हाइट मैटर ब्रेन में उन सभी एरियाज को आपस में कनेक्ट करता है जो सिग्नल सेंड और रिसीव करते हैं, जिससे ध्यान केंद्रित करने, सीखने, प्रॉब्लम को सॉल्व करने और चलते समय संतुलित रहने की क्षमता प्रभावित होती है। तो पढ़ने से ना ब्रेन में बहुत बेनिफिट्स है। आगे देखते हैं। नंबर 2, वी गेन वैल्यूएबल नॉलेज। जब हम पढ़ते हैं तो कुछ नया सीखते हैं और जब रेगुलर कुछ नया सीखते हैं तो हम नॉलेज का भंडार बनते जाते हैं और जिस भी इंसान के पास नॉलेज है उसकी ग्रोथ निश्चित है। बुक आपको डीप नॉलेज देती है। एक बुक में एक या कई महान व्यक्तित्व की लाइफ की निचोड़ होती है। रोल्ड डाल का एक कोट्स फेमस है, इफ यू आर गोइंग टू गेट एनीवेयर इन लाइफ यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ बुक। यदि आपको जीवन में कहीं जाना है तो आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी होगी। आप अपने लाइफ में कुछ भी सीखना चाहते हो, हर टाइप का नॉलेज किताबों में भरी पड़ी है। एक अच्छी किताब आपको एक बेहतर इंसान भी बनाती है, तो किताब आपको बेहतर इंसान भी बना सकती है और साथ में नॉलेज का भंडार भी। नंबर 3, रीडिंग इम्प्रूव्स योर फोकस एंड कंसेंट्रेशन। आज हम क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, हर जगह स्क्रॉल करते जा रहे हैं, इसलिए हमारी अटेंशन स्पेन धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमारी अटेंशन स्पेन 8 सेकंड तक सिमट गया है, एक गोल्ड फिश से भी कम। इसलिए जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते। इसलिए जब रीडिंग की हैबिट डाल लेते हैं तो डीप वर्क करना आसान हो जाता है।
यानी बिना ध्यान भटके लंबे समय तक किसी भी कार्य पर फोकस करने की क्षमता विकसित होती है। हमारी अटेंशन स्पैन बढ़ती है। रीडिंग हमारी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है, ब्रेन का वह एरिया जो कंसंट्रेशन एंड फोकस को अफेक्टेड करती है। जब हम बुक पढ़ते हैं तो या तो उसके किसी स्टोरी में डूब जाते हैं, या उसके किसी टॉपिक या सेंटेंस से अगर खुद को रिलेट करते हैं या इंटरेस्टिंग लगता है तो हम उस टॉपिक पर मंथन करने लगते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा ध्यान रीडिंग पर होता है। जब हम ऐसा लगातार करते हैं तो हमारी फोकस एंड कंसंट्रेशन सुधरती है, क्योंकि बुक हमें एक समय पर केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास कराता है। कुल मिलाकर ये है कि अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यदि आप अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहते हो तो मेडिटेशन के अलावा किताब पढ़कर अभ्यास कर सकते हो। नंबर 4, रीडिंग इम्प्रूव्स योर कम्युनिकेशन एंड वोकैबुलरी। रीडिंग आपको नए नए शब्दों से परिचित कराने के साथ आपके शब्दावली का भी विस्तार करने में मदद करता है। रीडिंग आपको नए दृष्टिकोण सिखाता है, आपके भाषा को मजबूत करता है। रीडिंग आपको विभिन्न कंसेप्ट, फ्रेजेस या विभिन्न एक्सप्रेशन से इंट्रोड्यूस कराता है। जब हम पढ़ते हैं तो या तो बोलकर या मन में, फिर भी शब्दों का तो उच्चारण करते ही है। इससे धीरे धीरे सही शब्दों के साथ बोलने का अभ्यास हो जाता है। पढ़ने से हमारे पास दो चीजें हमेशा अवेलेबल रहती है, पहला सही शब्दों का भंडार, दूसरा बोलने के लिए हमारे पास कई स्टोरीज, कई टॉपिक्स, कई कंसेप्ट्स होती हैं। तो इसलिए रीडिंग हमारी वोकैबुलरी और कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करती है। नंबर 5, रीडिंग इम्प्रूव्स योर मेमोरी। पढ़ना आपके ब्रेन के लिए एक एक्सरसाइज है जो नए न्यूरॉन्स का निर्माण करके याददाश्त में सुधार करने में मदद करता है। रीडिंग ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स की कनेक्शन को मजबूत करता है, जिससे इन्फॉर्मेशन को याद रखना और उसे लंबे समय तक बनाए रखना आसान हो जाता है। तो इसलिए हमें रेगुलर पढ़ना चाहिए। आप जितना अधिक पढ़ोगे उतना ही आपकी नॉलेज और मेमोरी बेहतर होती चली जाएगी। कुछ चैलेंजिंग भी पढ़े, केवल आसान बुक पढ़ने तक सीमित नहीं रहें, क्योंकि जब हम कुछ चैलेंजिंग पढ़ते हैं तो हमें आसानी से समझ में नहीं आता, जिससे हमारे ब्रेन को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से इन्फॉर्मेशन को लाकर नए इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, ताकि इस चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशन को आसानी से समझा पाए। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके ब्रेन और मेमोरी दोनों को इम्प्रूव करती है। और भी कई चीजें हैं, जैसे दूसरों को पढ़ाना, स्वयं का परीक्षण करना, ये सारी चीजें आपके मेमोरी को इम्प्रूव करती है। नंबर 6, रीडिंग प्रिवेंट्स कॉग्निटिव डिक्लाइन। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, यानी सचेत होना या जागरूक होना। जब हम जागरूक होते हैं तभी हमें किसी चीज का बोध होता है, जैसे सोचना, तर्क करना, याद रखना, कल्पना करना, शब्द सीखना, भाषा का उपयोग करना या निर्णय लेना, और हमारी पूरी लाइफ इसी पर टिका हुआ है। वैसे तो कॉग्निटिव डिक्लाइन उम्र के साथ होता है, जैसे चीजों को जल्दी भूल जाना, सही से सोच ना पाना, किसी चीज को समझने में आम लोगों की तुलना में ज्यादा परेशानी होना, यानी मेंटली वीक होना और होते चले जाना। तो किताब पढ़ने से आपके कॉग्निटिव फंक्शंस इम्प्रूव होगी, इससे आपका ब्रेन एक्टिव रहता है। अगर ऐसा लगातार करते हो तो आप बाकी लोगों से आगे निकल सकते हो। नंबर 7, रीडिंग रिड्यूस स्ट्रेस। देखो, मेडिटेशन एक्सरसाइज एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज से स्ट्रेस कम होता है, पर क्या आपको पता है कि पढ़ने से भी स्ट्रेस लेवल कम होता है? कैसे? पढ़ने से आपका हार्ट रेट स्लो होता है, मसल्स रिलैक्स मोड में आ जाते हैं, जिससे स्ट्रेस कम होता है। दिन में केवल 6 मिनट पढ़ने से स्ट्रेस लेवल 60% तक कम होता है। ससेक्स यूनिवर्सिटी में 2009 के रिसर्च में पाया गया कि पढ़ने से 68% तक स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। स्ट्रेस लेवल कई तरीकों से कम होता है, जैसे टहलने से 42% की कमी, एक कप चाय पीने से 54% की कमी, म्यूजिक सुनने से 61% की कमी, पर इन सभी से ज्यादा इफेक्टिव है रीडिंग, जो स्ट्रेस लेवल को 68% तक कम कर सकता है। इसलिए बोला जाता है कि रीडिंग की आदत डाल लो, डेली 30 मिनट ही सही लेकिन पढ़ो। तो रीडिंग के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, इम्प्रूव राइटिंग स्किल, बिकम्स अ बेटर लीडर, बेटर स्लीप, रीडिंग्स इम्प्रूव क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। और यहाँ तक अंत नहीं है, अब बात आती है कि कौन सा बुक पढ़े। तो अभी आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वही पढ़ो। ऐसा नहीं कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और पढ़ने लग जाओ कोई और बुक, तब तो बन गई काम, न घर का न घाट का। तो कोई भी बुक पढ़ोगे फायदा तो होने ही वाला है। तो आप अपनी सिचुएशन को देखकर ही किसी बुक को चूज करो। बाकी कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो दोस्त, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।